एवरीवन, दिस इज़ मी माहा मबासी। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो आज के लिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, आज की नई वीडियो क्या है। सो आज की नई वीडियो यह कि आज हम जा रहे हैं शादी पे, तो मैं ये दिखाऊंगी कि शादी वालों के घर में इतना शोर होता है या माहा मबासी के घर में ज़्यादा शोर होता है, कि मेरे घर वाले कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या पहनेंगे, कैसे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तो मुझे सबको रेडी करना है। अभी अब मैं उठी हूँ, 2 का टाइम हो रहा है, तो अब हम देखते हैं नीचे जाके कि कौन उठा है कौन नहीं उठा। उसके बाद मैं सबको रेडी करूँगी। नाश्ता आज नहीं मिलेगा क्योंकि आज सब शादी पे जा रहे हैं। अब इस तो गाइस मैं नीचे आई हूँ, तो सब नाश्ता वाश्ता कर रहे थे और आज मेरे घर में बहुत शोर नजर आएगा। और मेरी दोनों फूफा भी आई हुई है, वो भी मुझसे तैयार होंगी। तो अभी मेरी जो बड़ी फूफा है वो मेरे लिए लाई है चीज़ें, जो कि मैं दिखाती हूँ क्या है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ें होती हैं। मैं कहती हूँ सब मैं ही ले लूँ। ये है एक मस्कारा एंड देन ये ब्यूटीफुल, बहुत 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 प्यारा है ये भी, ये मैं पहनूंगी। और ये लिप ग्लॉस है। मुकद्दस कह रही है कि मेरी बेटी सो रही है, मेकअप मेरा करो। तो मैंने अपना सारा साजो सामान अपने पास कर लिया और मैं अब कर रही हूँ मुकद्दस का आई मेकअप। मैं मुकद्दस का मेकअप कर रही थी और अल्लाह मियाँ ने लाइट बुझा दी, मीन्स के लाइट चली गई गाइस और प्रोग्राम और बढ़ गई यार। फिर ना अब ना मतलब एक तो बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, आंधी तूफान चल रहा है और आज शादी है और शादी का इन्होंने सब ने बहुत इंतजार किया हुआ था। तो अभी से मैं मुकद्दस का मेकअप आई मेकअप कर रही हूँ, अभी फुल फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। तो अभी बैठे हुए लाइट आने का वेट कर रहे हैं, लाइट आ जाओ। ओके, हम अपना साजो सामान लेके बाहर आ चुके हैं क्योंकि उस रूम में यूपीएस नहीं अटैच, तो इधर यूपीएस की लाइट है। तो हम करेंगे मुकद्दस का मेकअप क्योंकि मुझे अभी करना है, 3-4 लड़कियों का और भी, और फिर जाके मैं रेडी होंगी। यहाँ तक मैंने सिर्फ लेंस तक नहीं लगाया, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं मुकद्दस को तैयार करती फटाफट। और अब अभी मसला ये बन गया कि लैश ग्लू जो थी ना, लैश ग्लू ये जो मैं लेके आई थी, ये ना बहुत फाड़ी गए, मतलब ये चिपक ही नहीं रही। एंड देन हमें अब मसला हो गया कि लैश ग्लू चाहिए और अभी बारिश भी बहुत तेज है, कोई बाहर भी नहीं जा सकता। तो हम कह रहे मुकद्दस वो जो लकड़ी पे ना ग्लू लगती है ना, वो लगा के देखते हैं। मुकद्दस वो वाली ग्लू लगा दूं? नहीं, नेवर, नो एवर। और गाइस ये एक पैलेट टूट चुका है कम्प्लीटली, जो मुकद्दस की आंखों में लगा। और ये हम सब का प्रोग्राम वर्क जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त माम बहुत गुस्से में है, उसने अपना फोन उठा के फेंक दिया है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके फोन से। मुझे बाद में पता चला कि मेरा पूरा पैलेट टूट चुका है और अभी तक मैंने ये यूज भी नहीं किया। माँ इधर रखो, मैं देखो कुत्ते मेरा पैलेट तोड़ के। गाइस फ्रेंडली व्लॉग है इसलिए आप लोग मेरे हाथ देखिए गाइस, ये तुम क्या कर रही हो यार, तुम और खराब करी जा रही हो उसको। मैंने साफ बनाया वो दूसरी आई गाइस, हमारे पास गला हमारे पास जो ग्लू नहीं है आया, तो अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, लिशबा और जिनेशा जा रही है ग्लू लेने, तब तक हम वेट करते हैं और मैं रेस्ट करती हूँ और बहुत शोर हो रहा है घर में। प्लीज नेशा और अनिश बैलाश ग्लू ले आया, मैं फटाफट जुनाया मुकद्दस की आई मेकअप कम्प्लीट कर दी। फिर दो लड़कियाँ और भी जिनको मैंने तैयार करना, 3 सॉरी 4 फुफोर बीबी भी हैं। इतनी सारी और मैंने एक चीज नहीं की, शायद मैं ना जाऊँ। चलो जी, सब वेटिंग पे बैठे हुए कश्यप भी वेट करिए, कश्यप मेकअप कर रही है लेकिन कश्यप की बेइज्जती हो रही है कि कश्यप क्या कर रही है। सो अब मैं अलिशबा का मेकअप कर रही हूँ, मुकद्दस का मेकअप थोड़ा सा डन हो चुका है, इसके बाद मैं जिनेशा का और फिर डन हो चुका है, बस बाकियों पे भी 3 घंटे से कम लगेगा। ओके चलो, तो हाँ मैं हो गई हूँ तैयार, बस मेरे रह गए हैं थोड़े से बालों को कुछ करना है और वैसे स्ट्रेट है, मैं सोच स्ट्रेट ही करके जाऊँ, लेकिन फिर ये हो गया माहम का 5वां करने आ रही हूँ। और माहम ने मेरा आई मेकअप बहुत बहुत प्यार किया और फूफा की डिमांड है कि वो मेरे जैसा आई मेकअप कराए, और इतना माहम थक चुकी है बट माहम को करना है। हम सब का मेकअप करने के बाद अब माहम अपना मेकअप करिए, मेकअप आर्टिस्ट के यहाँ जल्दी जल्दी में कसम से मुझे लगता है मैं सबसे गलती, और हमें देर भी हो रही है, हमने प्रेशर भी डाला हुआ कि हमने बहुत जल्दी जाना है, बस ये जल्दी जल्दी लगी हुई है जो भी इसने करना है।
हम बहुत गंदा छोड़ कर जा रहे हैं और ये हम करने लगे हैं डोर क्लोज और अब हम मिलेंगे आपको शादी पे। और फूफा नीचे चली गई हैं और लेट्स गो। वो भी जन्नत है लेकिन हमने सेकंड ऑप्शन अभी बचाया हुआ था कि मैंने बीबी को कहा था खाना मजे का ना हो या खा कुछ हुआ तो आपने मुझे बर्गर खिलाना है। तो बीबी आप मुझे बर्गर खिला रही है नहीं? थैंक यू बीबी। प्रोग्राम का क्या बना? प्रोग्राम बढ़ गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये मेरी फैमिली है जो कि हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। मैं अभी साइड पर हो गई थी, बारिश बहुत तेज थी और मैंने माम माम मुझे जीरा प्लस दे दे। हम लोगों ने अभी शादी में खाना खाना नहीं खाया। आवाज नहीं आ रही वैसे किसी को भी तुम्हारी। माम मुझे क्या क्या वैसे इसमें मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैं अपनी कजन से ले रही हूँ कि मुझे ज्यादा वाली टॉफीज चाहिए, सारा सफर मेरा होना चाहिए। ये मेरे हाथ से हाथ अभी भरा ही नहीं है। यार वापस दो। आजकल के बच्चे हमारा हक भी लेते हैं। हमने खाना खाने लगे हैं और खाना लगने लगा शुक्र है। अब ऐसा होगा कि मैं अपनी फूफा के साथ घर चली जाऊंगी, सब लोग इधर ही रहेंगे और वो बाद में आएंगे, तो इसलिए मैं और फूफा हम सब लोग जल्दी खाना खा रहे हैं। हम टाइम से घर पहुँच जाए। सो ये है मेन्यू। मेन्यू में है अचार भुजिया एंड आलू भुजिया एंड देन चिकन चने पूरी और पेप्सी वगैरह और हलवा। हलवा क्यों ना देन ये नान। एवरीवन आपको मेरा फुल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने देखा होगा कि कितनी बारिश हो रही थी और बारिश में शादी हो रही थी, तो ये भी एक एडवेंचर है। सो मज़ा आया मुझे बहुत और आई होप सो आपको व्लॉग देख के भी मज़ा आया होगा। मैंने क्लिप्स कट किए हैं बट जो क्लिप्स डाली आई होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।